नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे 24 अप्रैल 2018 का करंट अफेयर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर रोज का करंट अफेयर है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की ग्राम पंचायत भारत की श्रेष्ठ पंचायत बनी है? तो श्रेष्ठ पंचायत की बात करें भारत में, तो ये राज्य तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल राज्य है। और पश्चिम बंगाल में कौन सी पंचायत है? दिगंबरपुर पंचायत है। दिगंबरपुर पंचायतें हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब बात की जाए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप जानते होंगे ममता बनर्जी। और राज्यपाल की बात की जाए तो केशरीनाथ त्रिपाठी हैं। तो ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आपको पता होना चाहिए, ये आपको मैंने बता दिया। किसने 11वां मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता था? अब आपको पता होना चाहिए मोंटे कार्लो मास्टर्स क्या होता है। ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। टेनिस का क्या होता है? टूर्नामेंट होता है। और किसने जीता था? ये राफेल नडाल ने जीता। कौन सी बार? 11वीं बार जीता है। और राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के रहने वाले हैं। कौन से देश के? स्पेन के रहने वाले हैं। क्वेश्चन है तीसरा, हाल ही में भारत के किस स्थान पर मौजूद यानी सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों के लिए प्रवेश की अनुमति दी, यानी सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों को प्रवेश की अनुमति दी गई, वो कहां पर है? लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगीनाथ आदित्य। कुल यानी भारत में कुल स्कूलों की बात की जाए सैनिक स्कूलों की, तो कितनी है? 27 है। और जो ये स्कूल थे लखनऊ में, उसमें कितनी लड़कियों ने? 25 लड़कियों ने आवेदन किए थे, उसमें से केवल 25 लड़की ही प्रवेश हो पाई थी। आवेदन तो इतने हुए, केवल 15 लड़कियां प्रवेश हो पाई थी। नीतीश कुमार ने चंपारण आंदोलन पर कितनी पुस्तकों का विमोचन किया? तो ये 3 पुस्तकों का नीतीश कुमार ने चंपारण आंदोलन पर कितनी पुस्तकों का विमोचन किया? 3 पुस्तकों। वो 3 पुस्तकें कौन कौन सी है और किसके द्वारा लिखी गई है, ये पढ़ेंगे। और ये चंपारण आंदोलन कब है? 1917 में। और किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। और क्यों किया था? कि जो किसान थे, उन किसानों पर अंग्रेजों के द्वारा जो जुर्म हो रहे थे, उन जुर्म को हटाने के लिए ये चंपारण आंदोलन किया गया था 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा। पहली पुस्तक की बात की करें तो मिस्टर एम के गांधी की चंपारण डायरी, जिसको लिखा किसने था? अरविंद ने लिखा था। दूसरी थी चंपारण आंदोलन 1917, और ये किसने लिखी? आशुतोष पथिक सर ने। तीसरी पीर मोहम्मद मुनीस कलम का सत्याग्रह, ये किसने लिखी थी? श्री कांत ने। तो ये 3 पुस्तकें थी, मैंने आपको नाम बता दिए, हो सकता है कि पेपर में पूछ ली जाए। किस वर्ष तक के भारत का सकल घरेलू उत्पाद 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगा? तो अनुमानित कितना बताया जा रहा है? 2025 तक पहुंचेगा। प्रागवे का राष्ट्रपति हाल ही में किसे चुना गया है, यानी जो प्रागवे का राष्ट्रपति है वो किसे चुना गया है? वो है मायो अब्दो बेनिटेज को चुना गया है। ये आज के 24/4/2018 का करंट अफेयर था। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे 25/4/2018 का करंट अफेयर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये था करंट अफेयर। धन्यवाद।